फ्रेंड्स, मेरे एक सब्सक्राइबर हैं और आपका नाम है सुधांशु कुमार। आपने कमेंट बॉक्स में पूछा कि इट इज पर्टिनेंट टू क्या है, यानी स्पोकन इंग्लिश में हम इट इज पर्टिनेंट को कैसे इस्तेमाल करें। तो आइए फ्रेंड्स, इस कंसेप्ट को समझें। बहुत आसान कंसेप्ट है, उम्मीद करता हूँ कि आप पूरी बात समझेंगे। फ्रेंड्स, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को हिट करें ताकि मेरा लेटेस्ट वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो आइए फ्रेंड्स, इस कंसेप्ट को समझें। फ्रेंड्स, इट इज पर्टिनेंट टू मींस ठीक है या मुनासिब है। जैसे अगर आपको कहना हो मनाली जाना मुनासिब है, तो सेंटेंस के लिए आप कहेंगे इट इज पर्टिनेंट टू गो टू मनाली, यानी मनाली जाना मुनासिब है। कहने का मतलब है फ्रेंड्स, जब आपको अपने लाइफ में इस तरह के सेंटेंसेस बोलने हो जहां आप कहें कोई चीज ठीक है, मुनासिब है, यानी प्रॉपर है, तो इस तरह के सेंटेंसेस को बोलने के लिए आप इट इज पर्टिनेंट टू का इस्तेमाल करके अपने सेंटेंसेस को बोलेंगे। कैसे बोलेंगे, आइए कुछ और एग्जांपल्स देखते हैं। यहाँ ठहरना मुनासिब है या यहाँ ठहरना ठीक है, तो इस सेंटेंस के लिए आप कहेंगे इट इज पर्टिनेंट टू स्टे हियर। पर्टिनेंट टू स्टे हियर मींस यहाँ ठहरना ठीक है या मुनासिब है। हो सकता है फ्रेंड्स आपको ये कहना हो कि यहाँ ठहरना मुनासिब नहीं है या ठीक नहीं है, तो आप कहेंगे इट इज नॉट पर्टिनेंट टू स्टे हियर, यानी आप इसके बाद नॉट का इस्तेमाल करेंगे। यह लैपटॉप खरीदना मुनासिब है या यह लैपटॉप खरीदना ठीक है, तो फ्रेंड्स इस सेंटेंस के लिए आप कहेंगे इट इज पर्टिनेंट टू बाय दिस लैपटॉप, यानी इस लैपटॉप को खरीदना मुनासिब है या ठीक है। आइए फ्रेंड्स लास्ट एग्जांपल देखते हैं। फ्रेंड्स, अगर आपको कहना हो फास्ट फूड खाना मुनासिब नहीं है या ठीक नहीं है, तो आप कहेंगे इट इज नॉट पर्टिनेंट टू ईट फास्ट फूड, यानी फास्ट फूड खाना ठीक नहीं है, प्रॉपर नहीं है या मुनासिब नहीं है। फ्रेंड्स, अगर आपको कहना हो अब इंतजार करना ठीक नहीं है या मुनासिब नहीं है, तो आप कहेंगे इट इज नॉट पर्टिनेंट टू वेट नाउ, यानी अब इंतजार करना मुनासिब नहीं है, ठीक नहीं है। फ्रेंड्स, अगर आपको कहना हो यह पार्टी ज्वाइन करना मुनासिब नहीं है या ठीक नहीं है, तो आप कहेंगे इट इज नॉट पर्टिनेंट टू ज्वाइन दिस पार्टी। तो उम्मीद करता हूँ फ्रेंड्स कि यह टॉपिक आपको शानदार तरीके से समझ में आया। फ्रेंड्स, अगर वाकई आपने इस लेसन को समझा तो क्या इस टॉपिक पर दो सेंटेंसेस कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं? दो सेंटेंसेस कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और मैं चेक करके बताऊंगा कि आपने सही सीखा या गलत। फिर मिलेंगे कुछ और अच्छे लेसन के साथ, तब तक के लिए बाय।